भवाना जाजा कॉलोनी से 50 लाख की हेरोइन के साथ एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 3 किए गिरफ्तार। बाहरी उत्तरी दिल्ली की एंटी नारकोटिक सेल की टीम को मुखबिर खास से सूचना मिली कि करीब 50 लाख की हेरोइन के साथ 3 आरोपी भवाना जाजा कॉलोनी में दाखिल हुए हैं, जो भवाना जाजा कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। मुखबिर खास की सूचना मिलने के बाद एंटी नारकोटिक सेल के इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने मुखबिर खास के बताए गए तय ठिकानों पर छापेमारी की और वहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 728 ग्राम उम्दा क्वालिटी की हेरोइन बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले भी NDPS की धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं और आरोपी कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल से छूटने के बाद आरोपी फिर से नशे का कारोबार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब की बार एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने सफेद जहर बेचने वालों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से जो हेरोइन बरामद की गई है, उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार तीनों आरोपियों से एंटी नारकोटिक सेल की टीम पूछताछ में जुटी और यह पता लगाने में लगी है कि राजधानी दिल्ली में आरोपियों के तार कहां कहां जुड़े हैं और राजधानी दिल्ली के किन किन इलाकों में हेरोइन की तस्करी हो रही है, जिसको लेकर एंटी नारकोटिक सेल की टीम का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। फिलहाल गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है एंटी नारकोटिक सेल की टीम।